Tell me about your professional background. Tell me about how relevant your background is for this role. Tell me about what motivates you. Tell me about your work ethics. Tell me about your professional goals, your key strengths and how self-confident you are. Well, सुनने में तो ये कई सारे questions लगते हैं, लेकिन एक interviewer आपसे interview के beginning में इतने सारे questions तो obviously नहीं पूछ सकता. But instead, वो आपसे पूछते हैं, tell me about yourself. जी हाँ, ये सिर्फ एक आइस ब्रेकर क्वेश्चन नहीं है. इनफैक्ट आप माने या ना माने, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के 50% से भी ज्यादा चांसेस बढ़ा सकता है, या इन अदर वर्ड्स रिड्यूस कर सकता है. यकीन नहीं होता ना? अगर आप इंटरव्यूज क्रैक करने के बारे में सीरियस हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगले 8 से 10 मिनट में आप, इवन इफ यू आर अ फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, जान लेंगे कि क्यों ये सबसे पहले पूछे जाने वाला क्वेश्चन इतना क्रूशियल होता है और क्या है इसको हैंडल करने के सही तरीके, किन डूज एंड डोंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस आंसर. लास्टली, एज यूजुअल, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ बोनस सैंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. सो ग्रैब योर कॉफी, सिट टाइट एंड गेट रेडी टू बिकम एन इंटरव्यू निंजा. मैं अभिषेक इंटरव्यू निंजा सीरीज के पार्ट 2 को लेकर आ गया हूँ. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाई है 4 techniques टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ जॉब इंटरव्यू लाइक अ निंजा, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कॉमन येट एक्सट्रीमली क्रूशियल इंटरव्यू क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में. ये जनरली एक ओपनर या आइस ब्रेकर क्वेश्चन होता है आपके इंटरव्यू का, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर इंटरव्यू लाइक अ निंजा. लेकिन इसका बेस्ट आंसर समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है और इंटरव्यूअर्स ये पूछकर आखिर जानना क्या चाहते हैं. इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक क्वेश्चन के पीछे छिपी इंटेंशन. इंटरव्यूअर्स आपके बारे में, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं. उन्हें समझना है कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप उनकी टीम के साथ कैसे फिट होंगे. अब नॉर्मली हम इस सवाल को एक कैजुअल सवाल समझने की गलती कर बैठते हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा बोलने लग सकते हैं या फिर एक रोबोटिक रिस्पांस दे सकते हैं जो आपकी रियल पर्सनालिटी को शोकेस ही नहीं करता. तो यहाँ हम 2 type के कैंडिडेट्स की बात करते हैं, क्योंकि उन दोनों कैटेगरीज में ये आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा. पहली कैटेगरी है अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट या फ्रेशर हैं, एंड दूसरी ऑफ कोर्स इफ यू होल्ड सम वर्क एक्सपीरियंस. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फर्स्ट एंड देन वी विल कवर द फ्रेशर्स टुवर्ड्स द एंड, जहां मैं आपको बताऊंगा 1 super simple technique टू आंसर दिस क्वेश्चन लाइक अ निंजा. अब अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो ये आंसर देते समय आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है उनके बाद पहले कर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स साथ साथ क्या करना है वो भी बताऊंगा. द फर्स्ट मिस्टेक टू अवॉइड इज लैक ऑफ प्रिपरेशन. अब बहुत लोग मान लेते हैं कि ये सवाल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और उन्होंने इसका थॉटफुल रिस्पॉन्स तैयार ही नहीं किया होता, और फिर वो इररिलेवेंट डिटेल्स के बारे में बात करने लगते हैं. ऐसा मत कीजिए. यहाँ आपको एक स्टोरी तैयार करनी है अपने करियर की और उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स, इवन फेलियर्स और उससे मिली लर्निंग्स, करियर हाइलाइट्स एटसेट्रा, और उनका डायरेक्ट कोरिलेशन इस जॉब के साथ क्या है, इन लाइंस पर एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है. ये आंसर ना सिर्फ एक सॉलिड और एक इम्पैक्टफुल आंसर होगा, बल्कि इंटरव्यूअर आपकी स्टोरी टेलिंग और समराइजिंग स्किल्स से भी इम्प्रेस होगा. तो बताइए, हुआ ना एक तीर और 2 शिकार. चलिए अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, जो है पर्सनल लाइफ पर कुछ ज्यादा ही फोकस करना. माना कि आपको अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना जरूरी है, लेकिन याद रहे ये सवाल प्राइमरीली आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में है. सो अपने आंसर्स के कोर में अपने करियर गोल्स, अचीवमेंट्स, लर्निंग और क्वालिफिकेशन पर फोकस रखिए. इन शॉर्ट, योर स्टोरी शुड बी मोर अबाउट द प्रोफेशनल यू एंड नॉट सो मच अबाउट द पर्सनल यू. This brings us to mistake number 3, which is अपने आंसर में कुछ ज्यादा ही मॉडेस्टी दिखा. हालांकि ये बात सही है कि आप अपने आंसर में एरोगेंट या पॉम्पस नहीं दिखने चाहिए, बट स्टिल आपको समझना होगा कि ये वो टाइम नहीं है जब आप हम्बल हो. ये आपका मौका है अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स को शोकेस करने का. अपनी स्ट्रेंथ्स और अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि वो आपको इस जॉब के लिए बेस्ट फिट कैसे बनाती है. देखिए, इक्वेशन सिंपल है. इंटरव्यूअर को हायर करना है बेस्ट कैंडिडेट फॉर द रोल एंड नॉट द मोस्ट हम्बल वन.
तो अगर आप अपने बेस्ट सेल्फ को फोर फ्रंट में रख ही नहीं रहे हैं तो इससे आप सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं मिस्टेक नंबर 4, जो मैं मानता हूं इज द कॉस्टलीस्ट मिस्टेक वन कैन मेक इन एन इंटरव्यू, विच इज लाइंग और एग्जैजरेटिंग। जी हाँ, झूठ बोलना या एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। प्लीज ऐसी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में मत बोलिए जो आपके पास है ही नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में एज एन इंटरव्यूअर दैट इज, कई कैंडिडेट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने पर्टिकुलर स्किल के बारे में सिर्फ गूगल या यूट्यूब से वीडियोस देखकर अपने आंसर्स दिए। देखिए, आप स्मार्ट हैं और वो अच्छी बात है, पर इंटरव्यू को डम मत समझिए। ट्रस्ट मी, वो वहां बैठकर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वेल इन मोस्ट केसेस एटलीस्ट। तो खुद को बेस्ट दिखाने के लिए झूठ बोलने का मन कर सकता है, लेकिन एज द वाइज मैन सेड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट रहिए और वो स्किल्स हाईलाइट करिए जो आपके पास हैं। याद रखिए, अगर इंटरव्यूअर ने आपकी फेक की हुई स्किल्स के बारे में आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ लिए तो फिर तो मिल गई आपको ये जॉब। ये जॉब छोड़िए, इस कंपनी में आगे कोई और जॉब भी नहीं मिलेगी। तो अब हमने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में तो बात कर ली, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस सवाल का जवाब इफेक्टिवली आपको कैसे देना। यहाँ कुछ टिप्स को समराइज करते हैं। नंबर 1, प्रिपेयर अ थॉटफुल प्रोफेशनल स्टोरी। अपनी स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स और करियर गोल्स पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम निकालिए और एक स्टोरी लाइन प्रिपेयर कीजिए। फोकस ऑन योर करियर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस रादर देन योर पर्सनल लाइफ। नंबर 2, अपना रिस्पॉन्स जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर कीजिए। वो स्किल्स और एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड सिनेरियोस हाईलाइट कीजिए जो इस पोजीशन के लिए सबसे रेलेवेंट है। नंबर 3, शो एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस। ये आपका मौका है अपनी पर्सनैलिटी और जॉब के लिए पैशन दिखाने का, ना कि सबड्यूड, सबमिसिव और कमजोर दिखने का। नंबर 4, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। सीधी बात, नो बकवास, वही स्किल्स और एक्सपीरियंस बताइए जो आप पजेस करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अपना रिस्पॉन्स रिहर्स कीजिए ताकि आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करें। नाउ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एज अ बोनस मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए एक सेट ऑफ डमी आंसर्स, जिनको पढ़ के आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक स्टोरी फॉर्मेट में अपना आंसर कैसे दिया जाता है। ऑब्वियसली ये आपके पर्टिकुलर केस में आपको थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा, बट इट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। So check the description below and download this free bonus. अब बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को फ्रेशर्स कैसे हैंडल कर सकते हैं लाइक अ निंजा। अब फ्रेशर्स को फ्रेशर्स कहते हैं क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं फ्रेश। सो इफ यू आर अ फ्रेशर, डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। आपको इस आंसर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए फॉलो करना है स्पाइस फ्रेमवर्क। चलिए समझते हैं ये क्या होता है और देखते हैं इसका एक क्विक एग्जाम्पल। एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, बिगिन विद नेम एंड फ्रेंडली ग्रीटिंग। Well, pretty basic. P stands for prioritize academics. Highlight your educational background, including your degree, major subjects, university, and the year of graduation. I stands for include relevant experiences. यहाँ अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान कोई इंटर्नशिप, कोई कोर्स वर्क एक्सेट्रा किया हो या कोई और रेलिवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट किया हो तो उनको समराइज कीजिए विद एग्जाम्पल्स एंड लर्निंग देयर ऑफ। C stands for communicate transferable skills. Single most important tip for freshers. Transferable skills and qualities बताना बहुत जरूरी है। ये वो skills हैं जो आपने अपने academics के दौरान gain की होती हैं, but जो आपको आपके first job में एक edge या advantage देती हैं। Example, communication skills, teamwork, problem solving ability या leadership और इस तरह की कुछ और skills। पर ये बताते वक्त इनके कुछ relevant references जरूर दीजिए, वरना गुड कम्युनिकेशन, टीम प्लेयर, हाईली मोटिवेटेड वगैरह तो हर resume पे मिल ही जाता है। एंड मोस्टली what does it mean? You guessed it, nothing. And E stands for express enthusiasm and long-term goal. Job से relevant आपके passion और excitement को जरूर communicate कीजिए और बताइए कैसे ये role आपको आपके short to medium term career goal को achieve करने में help करेगा। चलिए अब इस spice framework को एक example से समझते हैं। Hello, my name is Abhishek and I'm delighted to be here today. I recently graduated with an MBA in marketing from XYZ University. During this period, I had the opportunity to immerse myself in various marketing courses such as ABC, where I honed my digital marketing skills. In one of my coursework projects, I developed a comprehensive social media marketing plan for a local non-profit organization, which I'm glad to report led to a 10% increase in their online engagement in a single quarter. I've always been passionate about the power of social media in reaching and connecting with the audiences, and that is what excites me about this particular opportunity. I'm well versed in using various digital marketing tools and platforms,
and I'm eager to leverage my skills to contribute to the dynamic marketing team at your company. In the long term, I envision myself learning new skills, growing with the team, and exploring innovative marketing strategies to drive results. This is how you can use the SPICE framework to leave a lasting impact on your interviewer. तो ये था एक क्विक वीडियो एंड पार्ट टू ऑफ इंटरव्यू निंजा सीरीज, जिसमें आपने जाना कैसे हैंडल करना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह के क्रूशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके समझेंगे, ताकि किसी भी इंटरव्यू में परफॉर्म करें आप एक निंजा की तरह। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो पर छोड़िए एक कॉमेंट डाउन बिलो, और मुझे बताइए अगर आज के टॉपिक से या इंटरव्यू इन जनरल से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो, एंड मैं हमेशा की तरह उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा एंड इस लर्निंग को अप्लाई करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ब्लूम एंड इवॉल्व।